नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रतिशत हमने आपको पढ़ा दिया है, ये लाभ हानि का पहला लेक्चर है। तो आज हम लोग लाभ हानि पे चर्चा करेंगे। बहुत सी चीज़ें लाभ हानि में ऐसी होती हैं, जैसे अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इन्हीं चीज़ों पर चलता है लाभ और हानि। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें बेसिक जान लेते हैं। जैसे लाभ बराबर हमारा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर आपका कास्ट प्राइस क्रय मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। लाभ को प्रॉफिट कहते हैं, हानि को लॉस कहते हैं। और अगर पूछा जाए प्रॉफिट परसेंट अर्थात लाभ प्रतिशत बराबर, तो ये होता है लाभ बटे क्रय मूल्य अर्थात कास्ट प्राइस इनटू 100। एक चीज़ और यहीं ध्यान में रख लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए हानि प्रतिशत बराबर, तो ये आपका होता है हानि बटे क्रय मूल्य इनटू 100। मतलब तुलना यदि किसी विशेष तौर पर ना कही जाए तो हमेशा तुलना किया जाता है क्रय मूल्य से। फिर से एक बार बताते हैं, लाभ तब होगा जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, हानि तब होगी जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, और हानि परसेंट निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। दोस्तों, इसी के इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमता है। तो पहले आज हम लोग बेसिक की, पहले लेक्चर में बेसिक की चर्चा कर लेते हैं और बेसिक के बेहतरीन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसे मैं जो आपका शुरू कर रहा हूँ पहला टाइप, वो क्या है, ये प्रश्न बहुत आता है कि एक व्यापारी ने किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर, एक व्यापारी ने किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ परिकलित किया, 20% लाभ परिकलित किया। परिकलित का मतलब होता है ज्ञात किया, परिकलित किया। तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे दोस्त, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, और हानि बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लेकिन यहाँ किसी विशेष से तुलना करने को कह रहा है, तो हानि मतलब हर में विक्रय जाएगा। जैसे कहता है तीन ही चीज़ें चाहिए मुझे, एक क्रय चाहिए, एक विक्रय चाहिए, एक या तो मुझे प्रॉफिट होता है या तो मुझे लॉस होता है। कहता है एक व्यापारी है जो क्रय मूल्य पर, तो मतलब जिस पर कहे उसे 100 मानिए, 20% लाभ कमाया, अर्थात ये बेचा कितने में। फिर से सुनिएगा, मैं एक वस्तु को 100 रुपये में खरीदा हूँ और 20% के लाभ पर बेचना चाहता हूँ, तो वस्तु मैं बेचूंगा कितने में, 120 में। आपसे कहता है कि इसी लाभ की तुलना कीजिए विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत। तो दोस्त कुछ नहीं करना है, 20 का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य 120 है और गुणे कितना, यही कहता क्रय मूल्य पर तो बटे में हम 100 कर देते। दोस्त जब हम इसे काटेंगे तो 20 6 120, 2 3 6 और ये 50, 50/3 मुझे मिला, और इससे भाग दे दीजिए तो आपका आया 16 सही 2/3। अर्थात जो लाभ क्रय मूल्य पर 20% है, यदि उसकी तुलना हम विक्रय मूल्य पर करने लगें तो वो लाभ जो होगा वो 16 सही 2/3% का होगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैं कह दूं कि इस पर 40% हानि परिकलित करता है, तो विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत। तो इसमें भी देखिए कुछ चेंजिंग नहीं होगी। अब जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें थोड़े बहुत ऐसे प्रश्न घुमाए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कहता है क्रय मूल्य पर 40% की हानि परिकलित कर रहा है, अर्थात
इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो किस पे कर रहा है, क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य हो गया 100। हानि है 40 की, अर्थात उसने बेचा कितने में। दोस्त यही ध्यान देना है कि मैं 100 रुपये को पर कोई सामान लेकर बेच रहा हूँ तो मुझे 40 रुपये का घाटा हो रहा है। मतलब मैंने बेचा कितने में, 100 का 40 घाटे पर बेचा तो 60 में। अब ये पूछता है कि विक्रय मूल्य पर यही हानि प्रतिशत क्या होगी। तो विक्रय मूल्य पर हानि 40 का बटे विक्रय मूल्य 60 का और गुणे कितना, 100। क्यों बार बार विक्रय मूल्य नीचे रख रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि उसी हानि की तुलना कीजिए। किस पर, विक्रय मूल्य पर। तो ये 20 × 40, 20 × 60, ये आपका आ गया 200/3। भाग देंगे तो 3 × 6 = 18, 6 × 18 = 2/3। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोस्त ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको यहीं थोड़ा सा चेंज करते हैं और लिखते हैं विक्रय मूल्य पर 40% नहीं लिखते, 20% की हानि प्रकलित करता है। तो क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, वही चीज़ है, इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, कई एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए कहता है एक वस्तु के विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 100 ले लूँगा, मुझे 20 की हानि हुई, अर्थात मैंने खरीदा कितने में था। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप एक वस्तु को 100 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको 20 का घाटा लग रहा है, अर्थात आपने खरीदा कितने का था, आपने निश्चित तौर पर खरीदा था 120 का। अब दोस्त इस प्रश्न में कहता है कि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत होगा हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत है 20 का हानि है, क्रय मूल्य मतलब तुलना करेंगे अब हम कास्ट प्राइस से, अर्थात 120 और गुणे में लगा देंगे 100, तो 20 × 6 = 120, 2 × 3 = 6 और 50 हो गया। 50 को 3 से भाग देने पर कितना आया, 16 × 2/3। मैं केवल इतना समझा रहा हूँ, जब वो कहे विक्रय मूल्य पर तुलना करिए तो हम विक्रय मूल्य से तुलना करेंगे, जब कहेगा क्रय मूल्य से तुलना करिए तो हम तुलना क्रय मूल्य से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक प्रश्न ऐसे ही होते हैं। अब ये नहीं पूछा जाता मेरे दोस्त कि एक वस्तु 1200 में खरीद लिया और 1500 में बेच लिया तो बताओ कितने का फायदा हुआ, ऐसी चीज़ें अब नहीं पूछी जाती हैं। अब देखिए दूसरा मैं बताता हूँ, ये भी एकदम आसान सा है, जैसे बेसिक आज पढ़ा रहे हैं दोस्त पहले लेक्चर में, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे सर ये तो एकदम सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। क्या कहा कि जब आपकी कास्ट प्राइस 20 की होगी तो आपकी सेलिंग प्राइस 21 की होगी। आपने एक वस्तु 20 में खरीद कर 21 में बेचा तो मुझे यहाँ से घाटा लगा 1 रुपये का, कितने पर, 20 पर, और गुणे कितना, 100। तो जो मैं घाटा सह रहा हूँ वो कितने प्रतिशत का, सॉरी फायदा हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा कितने प्रतिशत का, 5। कैसे, 20 में खरीद कर मैं 21 में बेचूं तो मुझे फायदा है कितने का, 1 का, और 1 के फायदा का मतलब है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे जितनी कास्ट प्राइस है और गुणे 100। तो ये भी एकदम सामान्य सा प्रश्न हो जाता है। अब देखिए बेसिक की बात करें तो इसमें एक प्रश्न और आता है जो छोटे एग्जाम होते हैं जीडी वगैरह इन सब के लिए, जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है तो हानि प्रतिशत। तो अब देखिए यही पकड़ना है, इसमें हानि नहीं हो सकती, लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
अब दोस्त हम लोग क्या करते हैं, इसे मानते हैं, माना यक्स है, यक्स का दो तिहाई, दो यक्स बटे तीन, कोई ज़रूरत नहीं है, आप दो बटे तीन लिखिए। कहता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो नीचे वाला विक्रय मूल्य है और ऊपर वाला कौन सा मूल्य है, कैसे पता? ये कह रहा है कि जो क्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य का दो तिहाई होगा, अर्थात दो क्रय मूल्य है और तीन विक्रय मूल्य है, तो आपको यहाँ से फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि दो में खरीद के तीन में बेच रहे हैं, एक का फायदा दो में और गुड़े क्या दोस्त 100, तो आपको फायदा हुआ 50%। देखिए कुछ है नहीं, मानने मनवाने की कोई जरूरत ही नहीं है दोस्त। मानना मनवाने का मतलब है अपने आप को कंफ्यूज करना। देखिए मैं और एक प्रश्न बताता हूं, जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/4 है तो हानि प्रतिशत। यहां भी देखिए 3/4 3/4, कास्ट प्राइस जब 3 रुपया है तो सेलिंग प्राइस 4 रुपया है, अर्थात निश्चित तौर पर लाभ हो रहा है कितने का, 1 रुपए का। कैसे पता? आप 3 में खरीद के लाए हैं, मुझे 4 में बेच रहे हैं, तो 1 का फायदा ले रहे हैं और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। मेरे पास क्रय मूल्य 3 था और 3 से 100 को काटेंगे तो 33 सही 1/ कितने प्रतिशत का, 3। बिल्कुल नहीं दोस्त, एक्स वाई जेड से पीछा छुड़ाइए, वो सब चीज़ें केवल होती हैं कंफ्यूज करने के लिए। अब देखिए जैसे मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर लूँ, कैसे चेंज करूँ? जैसे मैं यहाँ कर दूँ विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 है तो अब ये अपने आप बदल जाएगा हानि प्रतिशत। देखिए कैसे, विक्रय मूल्य 3/4 है अर्थात विक्रय मूल्य ऊपर है और क्रय मूल्य कहाँ है, नीचे है। अर्थात आप एक वस्तु को खरीद रहे हैं, 3 में बेच रहे हैं, 4 में, तो आप फायदा ले रहे हैं कि घाटा? फायदा नहीं होगा। क्या हो रहा है? क्रय मूल्य 4 है, विक्रय 3 है, तो दोस्त फायदा नहीं हो सकता है, हमेशा मुझे घाटा हुआ। कितने का? 1 का। कितने पर? हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, तो 4 पर। गुणे कितना? 100। 100 क्यों? क्योंकि मुझे उत्तर में प्रतिशत चाहिए और प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा होता है, तो ये चीज ऐसे हो जाती है। ठीक है, आइए अब आपको बेसिक का मैं तीसरा टाइप बताता हूँ। समझ में आ रहा होगा दोस्त, एकदम बेसिक से लेके आपको चल रहे हैं जिससे दिक्कत ना हो। देखिए जैसे टाइप नंबर तीसरा आपको बताते हैं, एक व्यापारी 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से 140 अंडे खरीदता है, 140 अंडे खरीदता है, 20 अंडे टूट जाते हैं, 20 अंडे टूट गए, शेष बचे अंडों को वह 3.6 रुपया प्रति अंडे की दर से बेच दिया, प्रति अंडे की दर से बेच दिया, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत। देखो दोस्त, आपको दिया होता है या तो लाभ या तो हानि। मैं इसलिए लिख रहा हूं लाभ अथवा हानि प्रतिशत कि अगर लाभ होगा तो आप लाभ प्रतिशत बताइएगा और हानि होगा तो हानि प्रतिशत। देखिएगा ध्यान से, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं तो 12 अंडे का क्रय मूल्य वो दे रखा है 36 रुपये। कहां दिया? ऊपर दिया। एक आदमी है जो 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से अंडे खरीदता है, तो एक दर्जन में हो गए 12 अंडे, तो एक अंडे का क्रय मूल्य हो गया 36/12। टोटल खरीदा है 140 अंडे, तो 140 अंडे इस बेचारे को पड़ेंगे कितने में? 14 × 42 = 420 रुपया। कौन सी प्राइस है? कास्ट प्राइस। ध्यान से देखिए,
यदि एक दर्जन अंडा 36 रुपए का मिलता है तो 140 अंडा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कितने का? 420 का। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वो लेके चला 140 अंडा और 20 अंडा टूट गया, तो जो बचा है वो कितना अंडा बचा है? 120। कहता है मैं 120 अंडों को बेचूंगा और एक अंडा बेचूंगा 3.60 रुपए का, तो 120 अंडा वो कितना बेचे कमाएगा? 20.00 हट गया, 12.72 हुआ, 7 हासिल, 12.36 और 7 36.40 2.42। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, अगर मैं एक अंडा 3.60 रुपए का बेच रहा हूं तो 120 अंडा 20 लगा, दशमलव हट गया, 12.72 7 हासिल, 12.36 36.40 3.43 432 में। ये इसकी कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस। दोस्त आप खरीदते हैं 420 में, बेचते हैं 332 में, तो आपको फायदा है कितने का? 2 का और 12 का। अब बटे 420 गुणे कितना? 100। इसी को सॉल्व करना है। किससे काटे? 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10 हो गया और 21 दुना 42 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 सते 21 हो गया, 4 पंचे 20 बटे 7 हो गया दोस्तों, ये हो गया 7 दुनाई 14 और 6 बटे 7। तो इस सौदे में जो बेचने और खरीदने का काम कर रहा था व्यापारी, उसे जो टोटल लाभ मिला वो केवल और केवल मिला 2.67%, अर्थात उसे हानि नहीं हो रही है, उसे लाभ हो रहा है। समझ में आया होगा? ये कुछ नहीं है, लाभ हानि पूरा अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़कर पढ़िए, कभी गलत नहीं होगा। जैसे देखिए, मैं आपको और भी प्रश्न कराता हूँ थोड़ा सा चेंज करके। इसमें एक बार वीडियो ना समझ में आए तो आप दोबारा जरूर देखें, दो बार तीन बार बढ़िया से देखेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। पूरे लाभ हानि में आपको मैं बता रहा हूँ दोस्त, कुछ है नहीं। देखिए मैं कर देता हूँ, एक व्यापारी 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 140 अंडे खरीदता है, 100 रुपये परिवहन पर खर्च करता है, 100 रुपये परिवहन पर खर्च करता है, 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष बचे अंडों को वह प्रति अंडा किस दर से बेचे? ये कई बार प्रश्न आया है, प्रति अंडा किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो, कि 20% का लाभ हो। इसमें कुछ नहीं है, एक आदमी है वो अंडों की दुकान पर गया या अंडों की फैक्ट्री में गया, जहां भी गया वो खरीद रहा है 12 अंडा 24 रुपए का, तो 140 अंडा सीधा सा फंडा है 12 अंडा 24 का, तो एक अंडा 24 बटे 12 का, 140 अंडा खरीदा तो 24 बटे 12 गुणे 140, 280 का तो वो अंडा खरीदा। लेकिन दोस्त दूर से गया था खरीदने, तो उसके परिवहन पर 100 रुपया लगा, अर्थात ये 380 रुपया बेचारा टोटल खर्च करके अंडा खरीदा। ध्यान से देखिए, 280 रुपये तो अंडे की प्राइस है, लेकिन इसने क्या किया, 100 रुपया परिवहन पर भी खर्च किया, तो इसे टोटल 380 रुपया देना पड़ा। दोस्त कुछ अंडे रास्ते में गड़बड़ा गए, टूट गए, 20 तो बचा है 120। 120 अंडा सेफ बचा है। कहता है 120 अंडे को बेचना है, कितने में बेचना है? दोस्त खरीदा है 380 में और उसे यहां से प्रॉफिट चाहिए 20% का। तो यदि आप कोई चीज 380 में खरीदे हैं, 20% लाभ का मतलब हो गया 120 बटे 100, 12.96 9 हासिल, 12.36 और 9 36.40 और 5। देखिए
बारह अठे छियानवे नौ हासिल, बारह तियाई छत्तीस, छत्तीस चार चालीस, पाँच पैंतालीस। दोस्त एक यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इधर नीचे दिखेगा नहीं, 120 अंडा उसे बेचना है 456 में, तो एक अंडे की कीमत क्या होगी? अंडे की कीमत होगी 456 बटे कितना? 120। अब हमें इससे भाग देना है, तो मैं क्या करूं दोस्त, इसमें करना क्या है, भाग दे देते हैं। ये देखो 456 को 120 से 12 तिहाई 36, 6 आया, 15 में से 6 गया 9 आया, और दोस्त 96 हो गया, ये आपका 6 आया, 60 हो गया, 56 96 12 चौक 48, 480 ज़्यादा हो जाएगा। तो अब क्या करें, यहाँ पॉइंट लगा दें, 0 हो गया, और 12 अट्ठे 96 960 हो गया। मतलब उस आदमी को जो एक अंडा बेचना है वो 3.80 रुपए का बेचना, देखिए भाग मैंने दे दिया, 12 तीन 36, 6 बचा 9 बचा, जी दशमलव लगाया, 0 बचा, 12 अट्ठे 96, तो एक अंडे की कीमत है 3.8 रुपया। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्त, ये पॉइंट नहीं है, बोर्ड में वैसे है काला है, नहीं तो आप पॉइंट समझ लें, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ये सब बेसिक मैं बता रहा हूँ, अभी मैं कुछ भी ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि जो चैप्टर से मेन घुस के नहीं, बेसिक। देखिए 12 अंडा 24 का, तो एक अंडा 24 बटे 12 का, तो 140 अंडा मिलेगा कितने का? 280 का। मैं 100 रुपया परिवहन पर लगाया तो कितने का मिलेगा? 380 का। अब कहता है 20 अंडे बेकार हो गए, टूट गए, तो बचे 120 अंडे। देखिए 20 अंडे टूट गए 140 में से। कहता है इस पे मुझे 20% लाभ चाहिए, तो जो अंडे बचे हैं आप उसी को बेचेंगे, तो 120 अंडे को बेचना है 20% लाभ पर, 380 का 20 लाभ हो गया 456। अगर मैं 120 अंडा बेचकर 456 रुपया कमाता हूं, तो निश्चित तौर पर एक अंडा जो पड़ेगा वो 3.80 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेहतर रूप से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्त। बस इस वीडियो में इतना ही, अगले लेक्चर में मैं आपको इसी से रिलेटेड आगे बताता हूँ, ठीक है।